धीरे धीरे भारत संपर्क रशिया सह मजबूत होउची। ए संपर्क विगत दिन में एक चर्चार केन्द्रबिंदु थिला। एपरिक अनेक मीडिया संस्था भारत एवं भारत बाहर भारत एवं रूस संपर्क को नहीं अनेक चर्चा करथिले। चर्चा सेतेबेले हेथिला जेतेबेले स्क्वाड टीम रे भारत मिलित समराभ्यास होइथिला एवं अमेरिका सह द्विपाक्षिक संपर्क अति जोर रे बढ़िथिला। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो बयान देथिले एथिने अनेक उथल पुथल सूत्र खबर विभिन्न आड़े व्यापी किंतु सबुठ बड़ कथा हला सेतेबेले विदेश मंत्री भाविबा उचित थिला जे रूस एवं भारत संपर्क जेतिके मजबूत सेतिके पुरातन मध्य इतिमध्यरे अनेक किछि घटना भारत एवं रूस मध्यरे प्रतिक्रिया सृष्टि करथिले मध्य एजाबत रूस एवं भारत बंधुत्व रही आसी किंतु कोनोसी कारणवशतः चीन आड़कु रूस ढळिबा एवं विदेश मंत्री भारत विरोधी बयान चर्चार खोराक जगैथिला। एपरिक पाश्चात्य देशर भारत एक मोहरा बोली कहिबाकु पछै नथिले रूस विदेश मंत्री। एपरिक स्क्वाड टीम भारत को उपयोग करुचि एवं एही दल ही आंटी चाइना मूवमेंट को चलाई आसी बोली मध्य अभियोग ढाळिथिले रशियार विदेश मंत्री। एही बयान परे परे भारत रे तीव्र प्रतिक्रिया सृष्टि होइथिला। भारत गणमाध्यम अनेक दिन धरी एही चर्चा मध्य चलीला किंतु यापर पर सरकार स्पष्ट करते कि भारत अंतरीण नीति विदेश नीति एवं भारत निजस्व व्यापार रे बाह्य देशर मुंड पुरैबार कौन आवश्यकता नहीं। भारत जाणी भारत कौन करुच्ची तेरे सबुठ बड़ कथा हला रशिया जमीती भाव चीन को निजर आर्थिक अभिवृद्धि सांगे नाप चाहूला एवं परिस्थिति रे पड़ी रशिया ठीक बुझिपारा कि चीन से ही देश नुहे जीए बंधुत्व रे विश्वास रखे जेकोसी मुहूर्त एवं जो समय रे चीन जेकोसी देश को धोखा दे पारे एमती रे सबु दृष्टि भारत परी बाजार भारत परी बंधु रुषिया को मिलना अवश्य यही बयान परे परे रशिया संयमता आचरण कला एपरिक भारत सह संपर्क अतुट रश्वास जन्मे पुणी थे यही विदेश मंत्री बयान चर्चा को आसी गोटेपटे भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतर्जातीय स्तर में विभिन्न देशर संपर्क एवं विभिन्न मुद्दा उपर यूएन एससी जो प्रभाव विस्तार करापर पर रशियार विदेश मंत्री जयशंकर कथबार्ता करपर तर जो बयान थी ताहा चमकैदेला भि पूर्व बयान रे चाइना जेतिकी खुशी होता एपर बयान रे चीन दुखित हवा निश्चित। रशियार विदेश मंत्री परवर्ती बयान रे थिला कि सबुठारु पाखरे सबुठारु निजर भारत एवं रूस संपर्क आगकु चली पारिबो एवं ए बंधुत्व सहजरे कोनोसी मात्रारे बाधाप्राप्त हेबो नाही। अनेक प्रतिक्रिया अनेक घटना उभय देशर संपर्क उपरे प्रभाव विस्तार करने को चेष्टा करुथिले हे ए संपर्क अतुट मजबूत रहिबो। बड़ सुंदर शब्दर प्रयोग करी रशियार विदेश मंत्री जो बयानबाजी करथिले ताहा मध्य जानिबा दरकार। तांको कहिबारे रशिया एवं भारतर अति निविड़ संपर्क रहिछि केवल सेतिके नुह टेक्नोलॉजी स्ट्राटेजिक मामलें प्रतिरक्षार पार्टनरशिप मामलें एवं विभिन्न समस्या रशिया एवं भारत एकजुट हो काम करिबे एवं कोनोसी परिस्थिति रशिया एवं भारत बंधुत्व बाधाप्राप्त हेबो नाही। तबे हठात रशिया ओलटिबार कारण अनेक जीडीपी पई बा अर्थनीतिक अभिवृद्धि पई चीन रो बंधुत्व तो रशिया को मंजूर थिला किंतु एपटे निजर प्राकृतिक गैस को चीन बाजार रे पहुंचिबा पई रशिया जो योजना करथिला एथिरे चीन कार्बन मुक्त सहर तैयारी करिवा बोली निष्पत्ति नहीं थिबारु एही प्राकृतिक गैस रो आवश्यकता चीन रो नहीं बोली जना पड़ीथिला। तबे परोक्ष मंतव्य रे रशिया बुझी जाइथिला जे प्रतिरक्षा बाहर चीन ठारु कोनोसी साहाज्य रशिया को मिलबो नहीं तेणु भारत ही एकमात्र देश जे विपद समय रे रशिया को साहाज्य करि पारिबो। एथिपई पुनर्बार रशियार विदेश मंत्री आउ एक बयान माध्यम रे मध्य स्पष्ट करिसंती कि रशिया सबु मत्ते चेष्टा करुची कि चीन एवं भारतर सीमा बिवाद आगकु जेमिति न बढ़ु एहा शांतिपूर्ण भावरे समापित हो एवं चीन एवं रशिया केमिति बंधु भावरे चलिबे से दिगरे आमर प्रत्येक मुहूर्तरे प्रयास रहिबो। तेणु एभली एक बयानबाजी करि परिस्थितिकु ओलटे धबली परिस्थिति सृष्टि करिसंती रशियार विदेश मंत्री।
ଆରପଟରେ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଚୀନ୍ ଜାଲ ବୁଣିଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆଣି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସଫଳ ଭାବରେ ଭାରତ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଭାରତର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରାଜଦୂତ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ସେହି ଦେଶ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗେଇ ଯିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଫିଲିସ୍ତିନ ମାମଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମାମଲା, ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳାଝୁଲା ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବେ। ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ଦେଶର ଭୂମିକା ବା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ତ କରିଆସି, ଅପରପଟରେ ଫିଲିସ୍ତିନ ସହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ାଇଛି। 2017ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିଥିବା ବେଳେ 2019ରେ ଫିଲିସ୍ତିନ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଫିଲିସ୍ତିନରେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଉଭୟ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା କରିଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ୟୁଏଇ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଛି। ଏ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କୀର ବୟାନବାଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏହି ଘଟଣାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଆରବ ଦେଶକୁ ଖଟକା ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଳିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ଭାରତ ଭଳି ଦେଶକୁ ସୁହାଇବ, କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆରବ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ଫିଲିସ୍ତିନ ଭଳି ଦେଶ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏପଟେ ରଷିଆ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ଭାବରେ ଗତି କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା S-400କୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଷିଆର ସହମତି ଏବଂ ଡିଲ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ରଷିଆର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଚାପରେ ପଡ଼ି ଏହି ବୟାନବାଜି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ବୟାନକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ଏକ ଅନୁଶୀଳନର ବିଷୟ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।